العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وفرض الغسل المضمضه والاستنشاق وغسل سائر البدن وعند الشافعي رحمه الله تعالى هما سنتان فيه لقوله عليه السلام اشر من الفطره اي من السنه وذكر منها المضمضه والاستنشاق ولهذا كان سنتين في الوضوء और गसल का फ़र्ज़ कुल्ली करना है नाक में पानी डालना है और तमाम बदन को धोना है और इमाम शाफी रही त यहाँ मज़माज़ा और इस्तिन शाक़ल में सुन्नत है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है दस चीज़ें फितरत यानि सुन्नत में से हैं और उनमें से आपने मज़माज़ा और इस्तिन को भी बयान फरमाया यही वजह है कि ये दोनों वज़ू में सुनत हैं वलना कौलह वलाना कौलु तला व इनकुन तुम जुनूबन फ़त् व हुआ अमरुन बी तीरी जमीबनी मातरा साल ख़ारी जुन बी खिलाफ़ल वजू ई

अल्लाह ताला ने इस आयत में पाकि हासिल करने का हुक्म दिया है तत्हीर का हुक्म दिया है और तत्हीर तमाम बदन को पाक करने का नाम है अलबत्ता जहाँ पानी पहुँचाना दुश्वार है वो इस हुक्म से ख़ारिज है बरखिलाफ़ खिलाफ़ वज़ू के इसलिए कि वज़ू में वजह का धोना फ़र्ज़ है जबकि मज़ और इसक में मुजहत मदूम है और इमाम शाफ़ी रिमल्ला तवायत करद हदीस की मुराद हदस की हालत है और आप अलैहि वसल्लम का इरफरमान इस पर दलील है कि मज़ और इस्तिन दोनों गसलें जनाबत में फ़र्ज है और वज़ु में सुन्नत हैं अजीज़ तलबा कराम वज़ू और गसल में कुल्ली और नाक में पानी डालने का हुक्म इस इबारत में ईज़ी की इसी मसले की वजाहत की गई है साहिब किताब वज़ू और इसके मुतलक से फारि होकर अब गसल और उसकी तफसी को बयान फरमा रहे हैं अब इसे यूं समझिए कि हमारे यहाँ कुल्ली करना नाक में पानी डालना और पूरे बदन का धोना गुस्ल में फ़र्ज है इसके बरख़िलाफ़ इमाम शाफी और इमाम मालिक र्ल ती के यहाँ मजमज़ा और इसतिनशाक गुस्ल में फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत हैं इमाम अहमद रही से भी यही एक रिवायत है इन हजरा की दली इन हजरा की पहली दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरुम मिनाल्फरती वाली हदीस में जिन दस चीज़ों को मसनू करार दिया है उनमें मजमज़ा और इस्तिन भी दाखिल है मालूम यह हुआ कि ये चीज़ें फ़राइज में से नहीं बल्कि मसनू के कबील से है दूसरी दलील ये है कि मजमज़ा और इस्तिन दोनों वज़ु में सुन्नत है और वज़ू की तरह गसलूबी तहारत ही है इसलिए गसल में भी ये चीज़ें मसनून होंगी वलाना कौल व इन कुम ज़ुनुबन फता हमारी दलील ये है कि क़ुरान करीब में अल्लाह ताला ने तुम ज़ुनुबन फ़तरु के ज़रिए गसल करने का हुक्म दिया है और जो सेगा इस्तेमाल किया है वो मुबालगा का सेगा है जिसका साफ और सीधा मतलब यह है कि खूब एहतमाम के साथ गसल किया जाए और अहतमाम इसी सूरत में होगा जब अंदर बाहर को खूब अच्छी तरह धुलाई किया जाए अंदर बाहर की खूब अच्छी तरह धुलाई की जाए सफाई की जाए और यह सफाई यह धुलाई उसी वक्त तो मुमकिन होगी जब मुंह के अंदर के हिस्से यानी कुली करना और नाक में पानी डालने को फ़र्ज़ करार दिया जाए इसलिए हमारे यहाँ मज़मज़ा और इस्टा गुसल में फ़र्ज है अलामाताज़रा इसका मतलब यह है कि फ़त् के पेश नज़र तो बदन के हर हर जुज़ को बहुत अच्छी तरह धोना और वहाँ पानी पहुँचाना चाहिए जैसे कान का अंदरूनी हिस्सा आँख का अंदरूनी हिस्सा वगैरह वगैरह मगर चुके इन आजा में पानी पहुंचाना दुशवार है इसलिए ये चीजें सरसरी तौर पर तो धोली जाएगी मगर इन्हें फर्ज या वाजिब नहीं करार दिया जाएगा और ना दुश्वारी लाजिम आएगी परेशानी होगी बेखिलाफिल वजू इसे इमाम शाफी के त्यास का जवाब देते हुए साहिब हिदाय फरमाते हैं कि सल को वज़ू पर कयास करना दुरुस्त तो नहीं है मौलाना क्योंकि वजू में वजह का धोना फर्ज करार दिया गया है और वजह मुआजहत से मुश्तक है जो चेहरे में तो मौजूद है मगर मजमजा और इसम में मुआजहत मदूम है अब जब वजू में मु... मुआजहत ही नहीं है तो उसको मुआजहत वाली सूरत पर कयास करना कैसे दुरुस्त होगा साहिब हिदाय फरमाते हैं कि उस लोगों वजू पर कयास करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि वजू में मुआजहत का दोना फर्ज करार दिया गया है और वज मुआजहत से मुश्तक है जो चेहरे में तो मौजूद है मगर मजमजा और इसम में मदूम है जब इनमें तो में ही नहीं है तो इसको मुाजाहत वाली सूरत पर कयास करना कैसे दुरुस्त होगा मजमज़ा और में मुाजहत ही नहीं है तो इसको मुजाहत वाली सूरत पर कयास करना कैसे दुरुस्त होगा दूसरी बात ये है कि वज़ू हद से असगर है और गसल हद से अकबर है वजू के जरिए से हद से असगर से तहारत हासिल की जाती है और गसलों के जरिए से हद से अकबर से तहारत हासिल की जाती है या यूँ कहिए वजू के जरिए हद से असगर को ज़ायल किया जाता है और गसल के जरिए हद से अकबर को ज़ायल किया जाता है और गसलों में वजू के फ़रइज़ अरबा शामिल है अब अगर हम मज़ मज़ा और इसतिन दोनों को वजू की तरह गसलों में भी सुन्नत मान लें तुम्लर बई हुमा वज़ू और गसल हदस अकबर और हद से असगर दोनों में क्या फ़र्क रहा है? जिस तरह ये वज़ू में सुन्नत है अगर गसल में भी इन्हें सुन्नत मान लिया जाए तो मल फरको बई हुमा वज़ू और गसल में फ़र्क क्या रहा असगर और अकबर का फ़र्क कैसे साबित होगा नीज़ इमाम शाफ रही पेश करदा हदीस का जवाब यह है कि यह हदीस गसल से नहीं बल्कि वजू से मुतल है और वजू ही इसका माहमिल है इसलिए कि इब्ने अब्बास रज़ीमा के हदीस में साफ़ तौर पर यह मज़मून वारिद हुआ है इन وسنته शा फर्जनाबती المغتسل व يديه وفرجه ويزيل वर्ज हू كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه هكذا حكت ميمونة اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في

तो सबसे पहले अपने हाथों को और अपनी शर्मगाह को धोए और अगर उसके बदन पर नजासत हो तो उसे भी जाइल करे फिर नमाज़ के वज़ू की तरह वज़ू करे मगर अपने पैरों को ना धोए फिर अपने सर और बदन पर तीन मरतबा पानी बहाए फिर उस जगह से हटकर अपने पैरों को धोए हज़रत ममूना ने इसी तरह आपका गसल बयान किया है और गसल करने वाला अपने पैरों को अपने पैरों के गसल को इसलिए मौखर करेंगा क्योंकि वो माए मुस्तमल गिरने की जगह में हैं लिहाजा अदम तख़ीर की सूरत में गसल का कोई फ़ायदा नहीं होगा यही वजह है कि अगर मुख्तिल किसी तख्ती पर खड़ा होकर गसल करे तो पैरों को पैरों के धुलने को मौर ना करे और नजासत हक़ीक़िया जाइल करने के साथ इसलिए इब्तदा करे ताकि पानी लगने की वजह से नजासत फैलने न पाए मुस्तनख़ा वो तालाब जिसमें पानी अक्सर जमा रहता हो समुद्र पानी के गिरने की जगह तना या तन बब तफाउल से है हटना गसल का मसनून तरीक़ा बयान फरमा रहे हैं इस इसबारत में इस इबारत में गसल के मसनून तरीक़े को बयान करना चाहते हैं और ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है जिसकी तफसील ये है कि गसल करने वाला सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टो समेत धोए इसके बाद अपनी शर्मगाह को धोए और देखे कि अगर बदन पर इधर उधर नजासत लगी है तो उसे भी साफ़ करे इसके बाद जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इसी तरह वज़ू करे अलबत्ता पैरों को न धोए फिर अपने पूरे जिस्म पर तीन मरतबा पानी डाले और ख़ूब मल मल कर इसे धोए इसके बाद जिस जगह गसल कर रहा था वहाँ से हट जाए और अपने क़दमों को धोए यह गसल का मसनू तरीक़ा है और हजरत ममोना से यही मनक़ूल है विन यो अखिरु इसका हासिल यह है कि तरीक़ल में जो पाओ के धोने को मौखर बतलाया गया है ये उस सूरत में है जब इंसान ऐसी जगह गसल करे जहाँ गसालासल का पानी जमा होता हो और पैरों के माए मस्तम में मुलिस होने का अंदेशा हो मतलब जमाने कदीम और उस ज़माने की बात है जहाँ इस तरह के बाथरूम और इस तरह की आसानियाँ और सहूलतें ना थी लेकिन अगर कोई शख्स किसी तख़्त पर बैठ कर गसल करे या पक्के फ़र्श पर गसल करे या किसी ऐसी जगह गसल करे जहाँ गसल का पानी जमा ना होता हो फ़ौर बह जाता हो जैसे आज कल बाथरूम में गसल खाने में तो उस शख़्स के लिए क़दमों को क़दमों के धुलने को मौख़र करना दुरुस्त तो नहीं है अब इस ज़माने में मौखर करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि गसाल गसल का पानी जमा नहीं रहता है बल्कि फ़ौर बह जाता है बल्कि जिस तरह इब्ता में दिगर आजाए दिगर आजाए वज़ू को धोए इसी तरह कदमों को भी धो ले वई नमा अब फरमाते हैं कि आगाज़ गल में बदन से नजासत हक़ीक़िया को ज़ाहिल करने की वजह यह है कि अगर बदन पर नजासत लगी होगी और उसे साफ़ नहीं किया जाएगा तो पानी लगने से नजासत फैल जाएगी और पूरा बदन नजाजत से मुतासर हो जाएगा इसलिए बेहतर यही है कि पहले هي دهلكر وسَهِ جَايِ وَلِيسَ عَلَى الْمَرَأَةِ أَنْ تَنْقُضَ زَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِأُمِّ سَلَمَةَ यकफ़ी की इजा बल मास्ू शारी की वलई साफ़ी असना औरत पर गस्ल में अपने गूँधे हुए बालों को खोलना ज़रूरी नहीं है बशर्त के पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाता हो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा से फरमाया था कि अगर पानी तुम्हारे बालों की जड़ों तक पहुंच जाए तो तुम्हारे लिए काफ़ी है और औरत पर अपने गेसुओं को भिगोना लाजिम नहीं है बालों को भिगोना लाजिम नहीं है यही सही है क्योंकि इसमें हरज है बरखिलाफ़ दाढ़ी के क्यों के दाढ़ी के बीच में पानी पहुंचाने में कोई मशक्कत हरज नहीं है मर्द और औरत का तरीक़ल मर्द और औरत के तरीक़लों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है लेकिन चूँकि मर्दों के औरतों के बाल लम्बे और दराज होते हैं इसलिए साहिब किताब बालों का हुक्म अलग बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि अगर खोले बगैर औरतों के बालों की जड़ तक पानी पहुँच जाता हो तो इस सूरत में औरत के लिए गूँधे हुए बालों को खोलना और पूरे बालों को नीचे से ऊपर तक तर करना ज़रूरी नहीं है इसलिए कि नजरत मलमा रज़ील ने आप सलील वसम से दरियाफ़त फरमाया था तो आपने जवाब में वो जुमला इशात फरमाया जो किताब में मजगूर है यानी अगर बालों की जड़ तक पानी पहुँच जाता है तो फिर बालों को खोलना और खोल पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है वल इस आलिया फ़रमाते हैं कि जिस तरह औरत के लिए गूँधे हुए बालों का खोलना ज़रूरी नहीं है इसी तरह उसके लिए अपने लंबे लंबे बालों को तर करना भी ज़रूरी नहीं है बटे हुए बालों को तर करना भी ज़रूरी नहीं है और यही सही है क्योंकि बालों को तर करने में हरज है और शरीयत ने हरज को दूर किया है माँ जा आला कम फिर दीन मन हरत जहाँ मशक्क़त हो उसे माफ़ कर दिया है साहिब हिदाय ने हुआ सही कहकर इस कौल से एतराज़ किया है उस कौल से एतराज़ किया है जिसमें गेसुओं को बालों को तीन मरतबा तर करने और हर मरतबा निचोड़ने का हुक्म लगाया गया है इसके वखिलाफ़ दाढ़ी के अंदरूनी बालों में पानी पहुँचाना वाजिब नहीं है इसलिए कि ना तो इसमें कोई हज और मशक्क़त है इसके बरख़लाफ़ दाढ़ी के अंदरूनी बालों में पानी पहुँचाना वाजिब है इसलिए कि ना तो इसमें कोई हरज और मशक्क़त है और ना ही दाढ़ी वग़ैरह में और ना ही दाढ़ी वग़ैरह में कोई चीज़ लगा करके उस दाढ़ी के बालों को समेटा जाता है जमा किया जाता है मतलब यह है कि दाढ़ी के बालों के अंदरूनी हिस्से में पानी पहुँचाना वाजिब है इसलिए कि अंदरूनी हिस्से तक पानी पहुँचाने में ना कोई हरज है और ना ही कोई मशक्क़त है लिहाजा दाढ़ी के अंदरूनी हिस्से में पानी पहुँचाना वाजिब होगा औरत पर इसको कयास नहीं किया जाएगा इसलिए कि वहाँ हरज है यहाँ किसी तरह की कोई दुशारी और हरज और मशक्क़त का नाम व नशान नहीं है व् वसलमबी महमद वबी व बबारक वसलम तस्लीम कसीरन कसीरा السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله